हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोगों ने बच्चों लास्ट वीडियो में जो देखा था वो हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने कोलोइड्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद है अपने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कोलोइड, कोलोइड एक्चुअल में होता क्या है। बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ा कोलोइड्स के बारे में वो क्या चीज़ पढ़ी थी, एक तो हमने कहा कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड होता है सस्पेंशन वाला सॉल्यूशन, और थर्ड वाला जो अपन ने पढ़ा था वो क्या बताया था बच्चों, कोलोइड सॉल्यूशन। हम यहाँ पे अपन कह रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें पार्टिकल साइज बच्चों क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 10^3 नैनोमीटर, या मैं इसको कह सकती हूँ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर पार्टिकल साइज जिनका होता है, वो सब किसके अंदर आते हैं, कोलोइड्स के अंदर आते हैं। बच्चों हम लोगों ने कोलोइड्स के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज कोलोइड, एक्चुअल में कोलोइड होते क्या हैं। कोलोइड ऐसे पार्टिकल होते हैं, ना ही सेटल डाउन होते हैं या ना ही कम्प्लीटली डिजोल्व हो पाते हैं अपने सॉल्वेंट के अंदर। बात अपन बता रहे थे बच्चों सॉल्यूशन से रिलेटेड, हम लोगों ने कहा था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके जिस तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं, इसी तरीके से कोलाइड के अंदर डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर आपको याद हो लास्ट वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कितने टाइप की डिस्पर्स फेस होती है, कितने टाइप का डिस्पर्शन मीडियम होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके नाम क्या अलग अलग होते हैं और नाम के अकॉर्डिंग क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। बच्चों आपको याद है अपन लोगों ने पढ़ा था सॉलिड सॉलिड में मिक्स होता है तो क्या बनता है, सॉलिड सोल बनता है। सॉलिड लिक्विड में होता है तो क्या होता है, सॉलिड फिर गैस में मिक्स होता है तो उसके बाद क्या बनता है, एरोसोल बनता है। इस तरह के कुछ पर्टिकुलर नाम थे बच्चों जो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़े थे कि यहाँ पे अगर इसको मिक्स करते हैं तो अपन को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है वो किस तरीके का होगा, मतलब अपना कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा उसको डिफरेंट अपन क्या क्या नाम देते हैं। इज़ दैट क्लियर बच्चों, बात समझ में आई मेरी। क्या कहा अपन ने यहाँ पे, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन की बात की थी लास्ट वाले लेक्चर में, हम लोगों ने क्या किया था, एक टेबल डिस्कस की थी। उस टेबल के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की बच्चों, सॉल्यूशन की अगर आप बात करोगे तो सॉल्यूशन आप क्या कहते हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। ठीक इसी तरीके से जब अपन बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन की जब आप बात करोगे तो आप क्या कहोगे, डिस्पर्स फेस प्लस डिस्पर्शन मीडियम से मिलकर बनता है। डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम से मिलकर बनेगा बच्चों, उसको अपन क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन का अपन ये बता दिया था, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। ठीक इसी तरह से सॉल्यूट जो होता है वो डिस्पर्स फेस होती है, सॉल्वेंट जो होता है वो अपना डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो सॉल्यूशन का अपन ने बताया था बच्चों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर। ठीक इसी तरह से कोलाइडल की बात करते हैं अपन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनता है, डिस्पर्स फेस प्लस डिस्पर्शन मीडियम से मिलकर बनता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन को ही अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कोलाइडल सॉल्यूशन को हम शॉर्ट में सोल कह देते हैं, या तो आप कोलाइडल सॉल्यूशन बोलोगे या फिर आप उसको सोल कहोगे, वो एक ही बात है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, क्या चीज़ हम लोगों ने कही थी लास्ट वाले वीडियो में। हमने देखा था डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। डिस्पर्स फेस जो होता है अगर वो सॉलिड होगा, तो अगर सॉलिड है सॉलिड में मिक्स होगा तो अपने को क्या देगा बच्चों, सॉलिड सोल देगा। इसका एग्जांपल हम लोगों ने रूबी ग्लास देखा था, आपको याद होगा लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पूरी टेबल डिस्कस की थी, अभी मैं यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करी, अब बस अपन रिमाइंड कर रहे हैं जो हमने लास्ट में चीज़ पढ़ी थी। सॉलिड सॉलिड हम लोगों ने देखा था डिस्पर्स फेस डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स होकर आप लोगों को क्या देती है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन या जो सोल हमको मिलता है वो सोल किस टाइप का सोल होता है। इज दैट क्लियर बच्चों, बात समझ में आई। अब उसी के बेस पर यहीं पे जो मैं आगे एक बात और बताना चाह रही थी आप लोगों को कि कोलाइडल सॉल्यूशन की हमने बात की थी, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम मिलकर हमको क्या देते हैं बच्चों, कोलाइडल सिस्टम, टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम देते हैं कि जो कोलाइडल सिस्टम आपके पास है वो किस टाइप का होगा। अब बच्चों उसी के अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम किस प्रकार का होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कल हमने पूरी टेबल पढ़ ली, सॉलिड से सॉलिड में मिक्स होता है तो सॉलिड से लिक्विड में मिक्स होता है, एंड लिक्विड से लिक्विड में मिक्स होता है या लिक्विड से गैस में मिक्स होता है, ये पूरे एक टाइप की टेबल हम लोगों ने बच्चों देखी कल। यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि गैस कभी भी गैस में मिक्स नहीं होती, इट मीन्स अगर आपका डिस्पर्स फेस गैस है और डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा तो ये दोनों गैस और गैस मिलकर आपको कोलाइडल सिस्टम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बच्चों, ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर कि कोलाइडल सिस्टम में गैस और गैस मिलकर कोलाइडल सिस्टम को फॉर्म नहीं करती, क्योंकि गैस क्या होती है बच्चों, एक गैस दूसरी गैस में जब डिफ्यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो ये क्या होती है, बहुत अच्छे से मिक्स होती हैं।
जब ये अच्छे से मिक्स होती है तो इसका मतलब कंप्लीट डिसॉल्व, जैसे हम कह रहे थे नमक को पानी में डालोगे कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से जब दो गैस आपस में मिलती हैं तो कंप्लीटली डिफ्यूज हो जाती हैं। डिफ्यूज इन द सेंस आपस में मिक्स हो गई, आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आ गई, मिक्स हो चुकी हैं। वो इस कदर मिक्स हुई है कि जो मिक्सचर उन दोनों का मिलेगा वो कैसा होगा बच्चों, होमोजीनस मिक्सचर होगा। और हम बार बार कहते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है बच्चों, हेटरोजीनस मिक्सचर होगा, वो होमोजीनस मिक्सचर नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब गैस और गैस का मिक्सचर होमोजीनस है और कोलाइडल सिस्टम हमारा हेटरोजीनस होता है, इसीलिए गैस और गैस को हम लोग डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में नहीं बताते हैं। इसका मतलब ये कोलाइडल सिस्टम को फॉर्म नहीं करेगी। इज दैट क्लियर बच्चों? ये चीज़ नोट कर लेना, ये अपन ने कल भी देखा था। अब अपन यहाँ पे आज जो बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों कोलाइडल सिस्टम का। तो क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्या होता है बच्चों कि जब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम मिक्स होते हैं तो क्या होता है, हमने कहा था कि डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सिस्टम हमको मिलते हैं। आप चाहें तो पुराने वीडियो में वो लेक्चर की वो जो बच्चों मैंने टेबल बताई थी आप लोगों को, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्जन मीडियम और टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम, पूरा टेबल में एज इट इज़ आपको दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो किसी किसी में एरोसोल हमने नाम दिया है, सॉलिड सोल हमने नाम दिया है, कोलाइडल सिस्टम का नाम जेल भी होता है, जेली जैसा स्ट्रक्चर मिलता है तो जेल बनाता है, फॉर्म बनाता है तो उसको हम फॉर्म कहते हैं कोलाइडल सिस्टम को। तो डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों की डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम समझ में आया, मतलब वो चीज़ सॉल्वेंट जिसमें डिस्पर्स फेज आके ऐड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। डिस्पर्शन मीडियम अपन क्या बताते हैं, वो अमाउंट में बहुत ज़्यादा होगा बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ को। डिस्पर्शन मीडियम मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, डिस्पर्स फेज मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी जो क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में आके मिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर की अगर अपन बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में मैं कह रही हूँ, वाटर आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, इसका मतलब वो डिस्पर्जन मीडियम जैसा, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूट, जो नमक आप पानी में मिक्स करोगे वो नमक क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, मतलब डिस्पर्स फेस हो गया। तो नमक तो बहुत कम होता है, जो ज़्यादा पानी में अपन घोलते हैं, तो ठीक इसी तरह से डिस्पर्जन मीडियम की क्वांटिटी ज़्यादा है, डिस्पर्स फेस की क्वांटिटी बच्चों कम होगी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताने जा रही हूँ आपको कि क्या होता है कोलाइडल सिस्टम की जब अपन बात करें तो डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, वो डिपेंड करता है डिस्पर्शन मीडियम आपका क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी टेबल अपन देख रहे हैं एक और, अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम ये दिखाई दे रहा है बच्चों, डिस्पर्शन मीडियम की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे आपका कोलाइडल सिस्टम, अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो आप उसको क्या बोलोगे बच्चों, हाइड्रोसोल और एक्वासोल भी बोल सकते हैं अपन इसको, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे एल्कोहल है तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, एल्कोसोल, एल्को। अगर यहाँ पे आपका बेंजीन है तो आप उसको क्या बोलोगे बच्चों, बेंजोसोल। और अगर आपका यहाँ पे सिस्टम एयर बोल सकते हैं अपन, ठीक है, या फिर गैस बोल सकते हैं अपन, तब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, एरोसोल। ये बच्चों ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं आप। ये टेबल छोटी सी मैंने यहाँ पे बना के बताई है आपको, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, कुछ चीज़ों के हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको बताते हैं, चाहे एरो बना दो चाहे बीच में आप इसको लाइन बना के बता सकते हो। ये देखो बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने अभी जो पिछली वाली टेबल पढ़ी थी बच्चों, उसमें सारा चीज़ बताया था, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्शन मीडियम, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सिस्टम हम लोगों ने देखे थे। अब बच्चों क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी क्या करती है, डिपेंड करती है डिस्पर्शन मीडियम कैसा है। तो ये टेबल ध्यान करिए, डिस्पर्शन मीडियम अगर आपका अलग अलग होगा तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्पर्शन मीडियम के कोलाइडल सिस्टम के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कॉमनली हम काम में लेते हैं, कुछ स्पेशल हम बोल सकते हैं, जैसे कि वाटर, मोस्टली डिस्पर्शन मीडियम वाटर होता है तो आप उसको हाइड्रोसोल या एक्वासोल कह सकते हो। हाइड्रो अपन बोलते हैं, वाटर के लिए वर्ड काम में लेते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोसोल या एक्वासोल। सोल यहाँ पे हम टर्म क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोसोल मतलब क्या बोल रहे हो आप इसको, वाटर का
कोलाइडल सॉल्यूशन, इट मींस वो क्या हुआ बच्चों, हाइड्रोसोल। मैंने यहाँ पे बात की, इसको गौर करना, डिस्पर्जन मीडियम ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, कि डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका कोलाइडल सिस्टम का नाम होगा। डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका वाटर है तो आप क्या बताओगे इसको, हाइड्रोसोल या एक्वासोल। डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका एल्कोहल है तो आप यहाँ पे इसको नाम दोगे एल्कोसोल। ध्यान रखिएगा, अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल है तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, एल्कोसोल कहोगे। अगर इसका डिस्पर्जन मीडियम आपका बेंजीन है तो आप इसका नाम दोगे बेंजोसोल। और अगर आपके पास डिस्पर्जन मीडियम एयर या गैस, मोस्टली हम गैस लिखते हैं, एयर भी हो सकता है, एयर या गैस अगर होता है तो हम इसको क्या नाम देते हैं बच्चों, एरोसोल नाम देंगे। कल आपको टेबल हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट वाले वीडियो में बच्चों, टेबल देखा था उस वाले वीडियो में, टेबल में आप लोगों ने खुद ने देखा होगा, चाहे सॉलिड गैस में मिक्स हो चाहे लिक्विड गैस में मिक्स हो, इसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम आपका अगर दोनों कंडीशन में गैस होता है तो आप उसको हमेशा क्या नाम देते हो बच्चों, एरोसोल नाम देते हो, उसको आप क्या नाम से बताते हो, एरोसोल नाम से बताते हो। तो ये बात समझ में आ गई सभी को कि अगर डिस्पर्जन मीडियम आपके कुछ स्पेसिफिक होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके कोलाइडल सिस्टम का नाम भी स्पेसिफिक होगा। वाटर है, वाटर के लिए हाइड्रोसोल, एल्कोहल है तो उसके लिए एल्कोसोल, बेंजीन है तो बेंजोसोल बोलेंगे, एयर या गैस है तो उसको हम एरोसोल कहेंगे। बच्चों नोट कर लो इस चीज़ को, टेबल बना लेना, अपने पास नोट कर लेना कि अगर हमारे पास इस तरह का डिस्पर्जन मीडियम होगा तो हमारा कोलाइडल सिस्टम भी उसके अकॉर्डिंग उसका नेम हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो कोलाइडल सिस्टम आपका क्या होगा या कोलाइडल सिस्टम का नाम क्या होगा, तो वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। बेंजीन है आपके पास तो आप उसको बेंजोसोल, एल्कोहल है तो एल्कोसोल, वाटर है तो हाइड्रोसोल या एक्वासोल, और एयर या गैस है तो अपन उसको एरोसोल कहते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बच्चों बात सभी को। अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पे जो कि क्या चीज़ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड का क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखना है। अभी बच्चों हम समझ के आए कि व्हाट इज कोलाइड, कोलाइड एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सिस्टम होते हैं। अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम बता रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, कोलाइड का क्लासिफिकेशन। अब कोलाइड का क्लासिफिकेशन जब आप करते हो बच्चों तो आप उसको दो प्रकार से डिवाइड करते हो, दो चीज़ों पे, दो बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम एक बोलते हैं लायोफिलिक सोल एंड दूसरा बोलते हैं हम लोग लायोफोबिक सोल। बच्चों ध्यान से सुनिए, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग कोलाइड्स का, कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट हमें क्या बता रहा है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या चीज़ है वो मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। डिस्पर्स फेज को हम सॉल्यूट से रिलेट कर सकते हैं, डिस्पर्शन मीडियम को हम लोग अपने सॉल्वेंट टर्म से रिलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का इंटरेक्शन किस तरह से होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों आपस में किस तरह इंटरेक्ट करती हैं, किस तरह से मिक्स होती हैं, उनके बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लायोफिलिक सोल, दूसरा होता है लायोफोबिक सोल। अब आप बताओगे लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल हम लोग पढ़ के आए हैं बच्चों, पहले भी पढ़ रखा है, नहीं समझ में आता तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, लायोफिलिक सोल को अपन क्या कहेंगे, लविंग सोल कह सकते हैं, और अगर अपन इसको लायोफोबिक कहते हैं तो अपन इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड लविंग। ठीक है, ये क्या चीज़ हो जाएगी बच्चों, ये जो सोल होगा ये क्या होगा एक्चुअल में, लिक्विड लविंग, और इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, लिक्विड हेटिंग सोल। बात समझ में आई, लायोफिलिक जिसको कह रहे हैं लिक्विड लविंग, लिक्विड लविंग होगा मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होगा, अच्छे से पास पास आएंगे, अटैच होंगे, मतलब अट्रैक्शन होगा। अपन बच्चों दो फोर्स पढ़ के आते हैं केमिस्ट्री में, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होता है, जब क्या होते हैं डिफरेंट अपोजिट अट्रैक्ट करता है तो क्या होते हैं मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। अट्रैक्शन फोर्स हमें क्या बताता है बच्चों कि मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, तो पास पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जब अपन कहेंगे लायोफिलिक सोल की बात करेंगे तो अपन क्या कह रहे हैं, लिक्विड लविंग, मतलब लिक्विड को लव करेगा तो वो क्या करेगा, उसके पास आने की कोशिश करेगा बच्चों, अट्रैक्ट होगा, पास होगा, तो क्या होगा यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग, इसका फॉर्मेशन क्या होगा वो अभी हम लोग इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है लायोफिलिक सोल का मतलब क्या होता है, लिक्विड लविंग सोल। अभी क्या होती है इसको हम बेसिक डिफरेंस से और अच्छे से समझेंगे, और लायोफोबिक सोल से क्या है, लिक्विड हेटिंग सोल।
मतलब क्या होगा बच्चों कि ये लिक्विड के साथ हीट कर रहा है, मतलब क्या होगा, रिपल्शन फोर्स यहाँ पे काम करेगा। सिंपल टर्मिनोलॉजी में, सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझते हैं बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, लायोफिलिक सोल मतलब क्या है, लिक्विड लविंग सोल, मतलब क्या करेगा, लिक्विड को लव करेगा, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, मतलब ये पास पास आएंगे। लायोफोबिक सोल का मतलब लिक्विड हेटिंग, मतलब लिक्विड से दूर भागेगा, रिपल्शन फोर्स काम करेगा, तो क्या करेगा यहाँ पे, ये जो फॉर्मेशन होगा सोल का, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, वो इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि फर्स्ट वाला होगा। ये बच्चों ध्यान रखना, लायोफिलिक सोल के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन कह रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन होगा किसका, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का। यहाँ पे अपन कह रहे हैं लिक्विड हेटिंग के, इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि लायोफिलिक सोल के अंदर होता है। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स होगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, पास पास आएंगे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, रिपल्शन हो रहा है। कंपैरेटिवली पहले वाले के कंपैरिजन में अगर अपन बात करें तो इतना अट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग इतनी अच्छे से नहीं होगी, इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी कि लायोफिलिक वाले में होती है। इज दैट क्लियर बच्चों, हम लोगों ने बता दिया इसको क्या होता है, हम इसको और आगे अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल एक्चुअल में होता क्या है। अब अपन आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे बच्चों, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेस। अब यहाँ पे पहला वाला हमने क्या बोला था, क्लासिफिकेशन अपन बता रहे थे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन के बेसिस पे, कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने दो में डिवाइड किया। अब यहाँ पे जो हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, वो क्या बोल रहे हैं, टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बच्चों, इसको तीन में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अब ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन कोलोइड्स का कर रहे हैं हम लोग, हमने पहले कहा कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का इंटरेक्शन कैसा है, दोनों की मिक्सिंग कैसी हो रही है, उसके बेस पे दो में डिवाइड किया। इस वाले को जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का टाइप कैसा है। जैसे हम सॉल्यूट का बताते थे, जैसे अपन बात करते थे कि नमक को पानी में घोल रहे हो, तो जो नमक यहाँ पे घोला जा रहा है बच्चों, उसके पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग, इसका मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के अकॉर्डिंग किस तरह के पार्टिकल हैं, उनका साइज क्या है, उनका नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं बच्चों, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मल्टी मोलिकुलर कोलोइड, अपन क्या नाम ले रहे हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड। एक होता है मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड, और थर्ड वाला है एसोसिएटेड कोलोइड। ये क्या चीज़ें होती हैं, हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे, अभी हमने सिर्फ इतना देखा कि तीन में डिवाइड होता है बच्चों। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स में डिवाइड करते हैं अपन इसको, मल्टी मोलिकुलर नाम से समझ में आ रहा होगा, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड्स की बात करेंगे, मैक्रो मतलब क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा बच्चों, नाम से समझ सकते हो आप इसको, बहुत इजी वे में, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हम समझ सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, पार्टिकल के टाइप के बेस पे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल किस टाइप के हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको तीन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड की बात की थी बच्चों। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड में नाम से समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल क्या है, मल्टी मोलिक्यूल्स हैं। मल्टी मोलिक्यूल का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके टाइप के कोलोइड को अपन क्या कहते हैं, मल्टी मोलिकुलर। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मैक्रो मतलब साइज में बहुत बड़ा है, वो बड़े साइज के मॉलिक्यूल वाला कोलोइड है। अभी कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद थर्ड वाले पे अपन आते हैं, एसोसिएटेड कोलोइड। एसोसिएट मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ने के बाद कोलाइडल सिस्टम को बनाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और बाद में क्या बता रहे हैं बच्चों, एसोसिएट कोलोइड को बनाते हैं। अभी तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, किस तरीके से होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब बच्चों हम लोग चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले वाले अपने पार्ट पे। यहाँ पे क्या बोला था अपने, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के अकॉर्डिंग लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल एक्चुअल में होता क्या है, वो हम इसके बारे में आगे फर्दर स्टडी कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है और एक्चुअल में लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल होते क्या है। इज दैट क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं हम। आगे जैसे आप देखोगे आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं अपन लोग, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स क्या होता है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा बच्चों, दो टाइप का होता है, एक तो किसके ऊपर बेस होता है, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने दो में डिवाइड किया था बच्चों, एक क्या था, लायोफिलिक सोल, और दूसरा वाला क्या था, लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक अपन ने क्या कहा था, लिक्विड लविंग,
लायोफोबिक बच्चों अपन ने क्या बताया था, लिक्विड हेटिंग सोल। अब एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पे अपन क्या बताते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा बच्चों, ये बाद में नोट कर लीजिएगा आप लोग मेरे साथ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। एफिनिटी अट्रैक्शन, ठीक है बच्चों, जुड़ाव कह सकते हैं अपन, अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम किसमें होगी, लायोफिलिक सोल में। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, लिक्विड लविंग का मतलब क्या होगा, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने से क्या होगा बच्चों, इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एफिनिटी अपन बताएंगे कि एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा रखते हैं, तो ये इसके बीच में किस किस के बीच में होती है बच्चों, ये डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में। अब अपन इसकी बात करते हैं लायोफोबिक की, तो अपन कहेंगे एफिनिटी कम होती है। जैसे अपन कह सकते हैं कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में लायोफिलिक में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो इजीली पास पास आते हैं, लेकिन जब अपन लायोफोबिक की बात करते हैं तो अट्रैक्शन कम होता है, इसका मतलब ये लोग इजीली बीच में मिक्स नहीं हो पाते, इजीली सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं कर पाते। बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को। यहाँ पे अपन ने फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के अंदर अपन ने कहा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज अपना क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे अपन इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की तरह। तो जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन होता है, मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद हमें सॉल्यूशन देते हैं, ठीक इसी तरह से डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम मिक्स होकर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन देते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में जो दो फेजेस है हमारे पास, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा बच्चों, उतना अच्छा कोलाइडल सिस्टम आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। इज दैट क्लियर। यहाँ पर अगर अट्रैक्शन कम है, मतलब वो सॉल्यूशन जो होगा वो प्रॉपर या अच्छे तरीके से इजीली नहीं बनेगा। बात समझ में आई आप लोगों को। नाम से हमने क्या बताया, लायोफिलिक, लायोफिलिक मतलब दोनों फेजेस में अट्रैक्शन ज़्यादा है। सेकंड वाले में हमने कहा लो एफिनिटी, मतलब अट्रैक्शन कम है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों, ऑन शेकिंग विद डिस्पर्शन मीडियम दे डायरेक्टली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आपने देखा यहाँ पे क्या चीज़ हमने बोली है, ऑन शेकिंग विद डिस्पर्शन मीडियम दे डायरेक्टली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या बोला कि डिस्पर्शन मीडियम के साथ आप उसको शेक करते हो, वो डायरेक्टली क्या बना लेता है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है। और यहाँ पे अपने कहा दिस सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड ओनली, और ये सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से होता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, इसको समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा स्टार्च का सॉल्यूशन होता है बच्चों, लैब में आप लोग देखोगे, बायो के बच्चे देखते हैं, अपन लोग केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं, स्टार्च का सॉल्यूशन कभी आप जाके देखना, अभी तक नहीं देखा, स्कूल में आप जब लैब में जाओगे बच्चों वहाँ पे देखना आप लोग, स्टार्च का सॉल्यूशन जब बॉटल में पड़ा हुआ होता है तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा, अपन कह सकते हैं वाइटिश क्रीमिश कलर का सब्सटेंस आपको नीचे बैठा हुआ दिखेगा बॉटल में, और ऊपर की तरह वाटर होगा, ऊपर उसके वाटर पानी होगा, और अगर आप उसको घुमा दोगे, शेक करोगे, तो शेक करने के बाद क्या होगा, वो मिक्स होकर आपको कोलाइडल सॉल्यूशन देगा। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, डेली लाइफ में जो हम काम में लेते हैं, बटर मिल्क देखा है सभी ने, बटर मिल्क कहते हो, हिंदी में छाछ कहते हैं हम लोग, छाछ लस्सी बटर मिल्क कहते हैं। क्या चीज़ है बच्चों असल में, वो चीज़ आपका कोलाइडल सिस्टम है। अगर अपन कहेंगे ना छाछ लस्सी और इसकी बात करते हैं अपन लोग, बटर मिल्क कहते हैं, वो एक्चुअल में आपका क्या है, कोलाइडल सिस्टम का ही एग्जांपल है। लेकिन कोलाइडल सिस्टम कैसा वाला होगा आप खुद बताओ, लायोफिलिक होगा कि लायोफोबिक होगा बच्चों, वो लायोफिलिक सॉल्यूशन होगा, लायोफिलिक सोल होगा। लायोफिलिक सोल क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप छाछ दही इसको लाके घर में रख देते हो और कुछ टाइम के लिए अगर आप छोड़ दोगे, तो छोड़ने के बाद आप देखना कुछ टाइम बाद क्या होगा, पानी पानी वाला एरिया जो है ना, वाटर वाला लिक्विड पोर्शन जो है वो तो आपका ऊपर आ जाएगा, और जो सॉलिड पोर्शन उसमें मिक्स था वो क्या होगा बच्चों, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। हम लोग देते हैं ना अभी गर्मी के दिनों में, सभी लोग घर में छाछ दही सब लोग देखते हैं बच्चों, दही से लस्सी बनाते हैं हम लोग, छाछ हम लोग पीते हैं, बटर मिल्क कहते हैं उसको, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि छाछ को अगर आप कुछ टाइम के लिए आप किसी भी कंटेनर में डाल के रख दोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो क्या होगा बच्चों वहाँ पे, कि पानी वाला जो वाटर वाला ये पार्ट है, या हम कहें लिक्विड पोर्शन उसका जो है, वो लिक्विड पोर्शन आपका ऊपर आ जाएगा और सॉलिड पार्ट आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे, ये चीज़ देखो बच्चों, जैसे ये है आपका बटर मिल्क वाला ग्लास है, छाछ रखी हुई थी इसमें, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वाटर वाला पार्ट तो यहाँ पे रह गया बच्चों, और जो सॉलिड पार्ट था वो सारा क्या हो गया बच्चों, नीचे इकट्ठा हो गया, व्हाइट कलर का सब्सटेंस आपको दिखेगा जो नीचे बैठा हुआ है, और ऊपर आपको हल्का पानी दिखाई देगा। अब आप क्या करते हो, उसको ऐसे तो पियोगे नहीं, आप क्या करते हो बच्चों पीने के लिए, उसको शेक करते हो, हिलाते हो। जैसे ही आप उसको शेक करोगे तो शेक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वापस से आपको आपकी छाछ या दही, दही की जो लस्सी आपने बनाई थी वो आपको एज इट इज मिल जाएगी। इट मीन्स क्या हुआ कि जो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन थे
कुछ समय के लिए सेटल डाउन हो गए थे, लेकिन जैसे ही आपने उनको शेक किया उन्होंने फटाफट तुरंत ही क्या बना दिया बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया। तो ये किसका एग्जांपल होगा, या ये लायोफिलिक सोल का, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आई आपको बात, मैंने क्या कहा यहाँ पे? हम लोग बात कर रहे हैं कि अपन लायोफिलिक की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने कहा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन जुड़ाव ज़्यादा होगा, तो कोलाइडल सॉल्यूशन सबसे अच्छा सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे हमने कहा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो इसका मतलब वो कंपैरेटिवली उसके इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड थिंग हमने क्या बोली, जब हम शेक करते हैं डिस्पर्शन मीडियम को दे डायरेक्टली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्शन मीडियम छाछ में हमारा क्या है, वो लिक्विड पोर्शन जो बच्चों ऊपर आ चुका है, और वो सॉलिड पार्ट उसका डिस्पर्स फेस है जो कि नीचे सेटल डाउन हो गया है, लेकिन वो सेटल डाउन हमेशा के लिए नहीं होता। बात समझ पा रहे हो मेरी? सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था बच्चों कि जो भी मिक्स करते हो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसको मिक्स करोगे, किसको, कोलाइडल वाले की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लायोफिलिक की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे ही डिस्पर्शन मीडियम को शेक करेंगे, डिस्पर्शन मीडियम मतलब वो लिक्विड वाला पोर्शन, जैसे ही आप उसको मिक्स करोगे बच्चों तो क्या होगा, वो डायरेक्टली बना देगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। फटाफट आपको तुरंत ही कोलाइडल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये तो घरों में छाछ का एग्जांपल हो गया बच्चों, इसके अलावा लैब में मैंने आपको स्टार्च सॉल्यूशन का भी एग्जांपल बताया है। ठीक है, अपन गोंद लेते हैं काम में, अगर आपने कभी गोंद गम देखा हो तो गम के साथ भी यही होता है, गोंद के साथ भी यही होता है। बहुत टाइम तक अगर आप उसको रख दोगे, उसका लिक्विड वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, सॉलिड पार्ट नीचे बैठ जाएगा। आपको उसको काम में लेने के लिए अच्छे से शेक करना होगा, तो शेक करते ही तुरंत वो वाला क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बात समझ में आई बच्चों सभी को, हमने क्या कहा, ऑन शेकिंग विद डिस्पर्शन मीडियम दे डायरेक्टली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे ही आप शेक करते हो इसको डिस्पर्शन मीडियम के साथ, ये क्या करते हैं, फटाफट से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, द सोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड ओनली। ये वाला जो बच्चों लायोफोबिक सोल होगा वो सिर्फ डिफरेंट टाइप के मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से ही बनेगा, डायरेक्टली मिक्स होकर कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं देगा। ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला, शेक करते ही फटाफट आपको कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा आपका, लेकिन लायोफोबिक वाले में ये सोल डायरेक्टली शेक कर नहीं मिलेगा, ये इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू ही अपन को मिल पाएगा या अपन इसको बना पाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? अब ये जो आपका सेकेंड वाला जो था पॉइंट, इसके लिए यहाँ पे जो अपन टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं ना बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखी है वो आप देखिएगा। सेकेंड पॉइंट अपन ने क्या बोला, शेक करते ही डायरेक्ट आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है ये चीज, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो बच्चों इंट्रिंसिक कोलाइड। ठीक है, एक्सट्रिंसिक कोलाइड कहते हैं हम, और एक कहते हैं अपन इंट्रिंसिक कोलाइड। ठीक है, बात समझिएगा, यहाँ पे अपन ने क्या कहा था, शेक करते ही डिस्पर्शन मीडियम में हमको सीधा कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमें डायरेक्ट शेक करके मिलता है बच्चों, उसको अपन क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कोलाइड्स। इंट्रिंसिक कोलाइड क्या कहते हैं, ऑन शेकिंग विद डिस्पर्शन मीडियम दे डायरेक्टली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। बात समझ में आई मेरी? कुछ बच्चों ऐसे कोलाइडल होते हैं अपने, अगर अपन देखेंगे कुछ एग्जाम्पल कोलाइडल सिस्टम के ऐसे होते हैं, या हम कहते हैं कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं बच्चों जिसके साथ क्या करेंगे अपन, अगर उसको कुछ टाइम के लिए सेटल डाउन है तो हम क्या करें, जैसे ही डिस्पर्शन मीडियम के साथ उसको मिक्स करेंगे, शेक करेंगे, शेक करते ही आपको अपना कोलाइडल सॉल्यूशन वापस से मिल जाएगा। अगर आपको कोलाइडल सॉल्यूशन वापस एज इट इज मिल जाता है 5 मिनट के शेक करने पर, आप उसको क्या कहोगे, इंट्रिंसिक कोलाइड कहोगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया गोंद होता है, गम बोलते हैं जिसको अपन, गम गोंद है, घर में रखा हुआ होगा बहुत टाइम से रखा हुआ होगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा बच्चों, सेटल डाउन होगा नीचे, और थोड़ा सा लिक्विड पोर्शन आपको ऊपर दिखाई देगा। जैसे आप उसको अच्छे से शेक करोगे तो शेक करने के बाद क्या होगा आपका, वो सॉल्यूशन वापस से अच्छे से आपको मिल जाएगा। अगर बच्चों इसका और अच्छा एग्जाम्पल अगर अपन देखें, पेंट देखा है, पेंट करने के लिए जो हम पेंट की छोटी छोटी डब्बियाँ घर में लेके आते हैं, कई बार क्या होता है बच्चों उसमें कि बहुत टाइम तक जब उसको रख दिया जाता है तो उसका जो सॉलिड पोर्शन है बच्चों नीचे बैठ जाता है। आपको याद हो किसी ने घर में देखा हो, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्या होता है बच्चों, सॉलिड पोर्शन उसका नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो आप क्या करते हो, आप उसको डायरेक्ट काम में नहीं लेते, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि जो कलर है ऊपर वाला तो बहुत लाइट शेड आ रहा है और नीचे वाला डार्क एरिया, डार्क पोर्शन है। इज दैट क्लियर? पेंट की डब्बे बच्चे घर में लेके आते हैं हम लोग, तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि उसके अंदर क्या है, वाटर जैसा लिक्विड सब्सटेंस जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है, और नीचे जो है आपका, नीचे क्या बैठा हुआ है, सॉलिड पोर्शन नीचे की तरफ है बच्चों। तो सॉलिड पोर्शन नीचे है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जब वो नीचे वाला है तो अपन उसको डायरेक्ट तो काम में नहीं लेते,
तुरंत उसको मिक्स करते हो, जैसे ही शेक करोगे बच्चों तो क्या होगा, वो वापस से आपको कोलाइडल सॉल्यूशन आपका पहले वाले जैसा दिखाई देने लगेगा। पेंट हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे पेंट भी कोलाइडल सॉल्यूशन ही है बच्चों। तो यहाँ पे पेंट एक तरह से क्या हो गया, लायोफिलिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि क्या होगा जैसे ही आप उसको शेक करोगे तो वापस से आपको पहले की तरह अपना कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, इस तरह के सॉल्यूशंस को बच्चों इंट्रिंसिक कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं या इंट्रिंसिक कोलाइड्स कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंट्रिंसिक कोलाइड एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक कोलाइड। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, आपको जब समझ में आ जाएगा बच्चों तो आपको बताने में, क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए, इंट्रिंसिक कोलाइड अपन ने क्या बोला, ऐसे कोलाइड जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे ही आप डिस्पर्शन मीडियम को शेक करते हो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन फटाफट तैयार हो जाता है। जैसे हमने छाछ का एग्जांपल लिया, छाछ के अंदर व्हाइट पोर्शन नीचे बैठा हुआ है, वाटर वाला सब्सटेंस ऊपर की तरफ है। जैसे हमने उसको शेक किया, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए फटाफट शेक किया तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जो शेक करने पर फटाफट तैयार हो जाते हैं उनको अपन इंट्रिंसिक कोलाइड्स कहते हैं, जैसे कि गम, जैसे कि स्टार, जैसे कि जिलेटिन। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अब अपन सेकंड वाले की पार्ट कर बात कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स कैसे होते हैं, जिनके अंदर डिस्पर्स फेज हैज नो एफिनिटी, दे डिड नॉट फॉर्म डायरेक्टली कोलाइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग। बात समझ में आई बच्चों, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन या ऐसे कोलाइड्स जिसके अंदर आप शेक करके कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्पर्स फेज के अंदर एफिनिटी नहीं है। बात समझ में आई बच्चों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की बात करते हैं। हमने यहाँ पे क्या कहा था बच्चों, डिस्पर्शन मीडियम अगर आपका ऊपर की तरफ आ गया है, इकट्ठा हो गया है और आप उसको शेक करते हो, डिस्पर्शन मीडियम के साथ ही कंटिन्यू शेक करोगे तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन कह रहे हैं एक्सट्रिंसिक कोलाइड में कि डिस्पर्स फेज जो कि उसमें घुली हुई थी, तो डिस्पर्स फेज के अंदर एफिनिटी नहीं होती, जिसकी वजह से डायरेक्ट शेक करने पर भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। यहाँ पे अपन क्या कह रहे थे, डिस्पर्शन मीडियम के साथ शेक करोगे कोलाइडल सिस्टम, कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्यों तैयार हो रहा है, क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन है बच्चों। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज के बीच में अट्रैक्शन एफिनिटी ज़्यादा है, तो जैसे ही शेक करोगे फटाफट अट्रैक्ट हो जाएंगे, फटाफट सॉल्यूशन बना देंगे। लेकिन जब अगर अपन बात करते हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में एफिनिटी नहीं है, अट्रैक्शन ही नहीं है, तो क्या होगा, शेक करने के बाद भी आपका कोलाइडल सिस्टम तैयार नहीं हो पाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेटल सोल। मेटल के सोल बनाते हैं या मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन बच्चों प्रिपेयर करते हैं, तो मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि इनके बीच में आप इसको अगर आप कुछ समय के लिए रख देते हो तो आप शेक करके उसको फिर से तैयार नहीं कर सकते हो। तो ये डिफरेंस हो गया बच्चों, जो रेडीली तैयार हो जाते हैं, मतलब क्या हुआ, शेक करने पर फटाफट कोलाइडल सॉल्यूशन दे देते हैं, इंट्रिंसिक कोलाइड कहलाते हैं। जो शेक करने पर सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं कर पाते उनको अपन एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स कहते हैं। इंट्रिंसिक के एग्जांपल गम, स्टार, जिलेटिन हो गए बच्चों, और एक्सट्रिंसिक के एग्जांपल हो गए मेटल सोल, हो गया मेटल सोल बोल सकते हो, मेटल कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हो, ठीक है। मेटल के जितने भी सॉल्यूशन होंगे, मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे, वो सारे सारे एक्सट्रिंसिक कोलाइड के एग्जांपल होंगे। मतलब वो डायरेक्टली किसके एग्जांपल है बच्चों, वो लायोफोबिक सोल के एग्जांपल हैं। यहाँ पे अपन ने बता दिया लायोफिलिक के इंट्रिंसिक कह सकते हैं अपन, या डायरेक्टली आपसे पूछा जाए लायोफिलिक सोल को और क्या नाम दे सकते हो, तो आप कहोगे लायोफिलिक सोल को इंट्रिंसिक कोलाइड भी कह सकते हैं। यहाँ पर अपन कहेंगे लायोफोबिक सोल को एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों मेरी। हमने क्या बोला था, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना अच्छा क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे अपन कहेंगे लायोफिलिक के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों फेजेस में, लेकिन लायोफोबिक के अंदर यही अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया कि डिस्पर्शन मीडियम के साथ अगर आप इसको शेक करते हो तो शेक करते ही आपको सीधा कोलाइडल सॉल्यूशन आपका फटाफट तैयार हो जाएगा, जैसे छाछ हम पीने के लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर यही शेक करने के बाद आपको नहीं मिल पाता, ये किसी और मेथड के थ्रू तैयार किए जाते हैं, तो उस तरह के सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे, उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहेंगे लायोफिलिक सोल। इनके दूसरे नाम होते हैं, जो शेक करने पर तैयार होता है उसको लायोफिलिक सोल या इंट्रिंसिक कोलाइड कहते हैं,
जो शेक करने पर तैयार नहीं होते उनको किसी और मेथड से बनाया जाता है, उसको लायोफोबिक सोल या फिर एक्सट्रिंसिक कोलोइड्स कहते हैं। इनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, विथ एग्जाम्पल आपको आराम से समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया क्या कहा हमने? अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे, जो क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए थे यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक सोल क्या होता है, लायोफोबिक सोल क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके बच्चों अच्छे से। अब अपन जो पढ़ रहे हैं अपने थर्ड पॉइंट पे कि दे आर इजी टू प्रिपेयर एंड दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। अपन ने ये चीज़ कही थी कि अपन बात कर रहे थे लायोफिलिक सोल के बारे में। लायोफिलिक सोल के बारे में अपन ने क्या कहा था बच्चों कि दे आर इजी टू प्रिपेयर, इसका मतलब क्या होता है, इसको आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना अभी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कोलोइड्स, तो अपन क्या कह रहे थे, इंट्रिंसिक कोलोइड ऐसे कोलोइड हैं जिनको अपन शेक करके प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक कोलोइड ऐसे हैं जिनको शेक करके प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये क्या हो गए, आसान है, दे आर इजी टू प्रिपेयर, इनको आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन लायोफोबिक सोल को आसानी से बनाया नहीं जा सकता, ये डिफिकल्ट होते हैं कि इनको बनाना पड़े अपन को। बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे अभी अपन एग्जांपल की बात कर रहे थे, जैसे छाछ है, छाछ में क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया और सॉलिड पार्ट नीचे बैठ गया, तो आप उसको मिक्स करके वापस से काम में ले सकते हो, मतलब वो इजी है बनाने में। लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पे जैसे मेटल का सोल है, मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, तो मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन को आप शेक करके वापस से नहीं बना सकते, वो डिफिकल्ट हो जाता है उसको प्रिपेयर करना, उसको बनाना। इज दैट क्लियर बच्चों? थर्ड पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब अपन चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि क्या कह रहा है, द पार्टिकल ऑफ सोल माइग्रेट टूवर्ड एनोड एंड कैथोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, जब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, लायोफिलिक सोल के अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। आपने क्या लिया, अपना सॉल्यूशन लिया कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके लिए अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, सोल के पार्टिकल्स जो होंगे बच्चों माइग्रेट करने लग जाएंगे एनोड और कैथोड की तरफ। कैथोड और एनोड क्या है, दो इलेक्ट्रिक रोड हैं। तो अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अपन कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर अपन दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, एक कैथोड और एक एनोड वाली डिप करोगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोल के पार्टिकल है वो एनोड और कैथोड के पास क्या करेंगे बच्चों, माइग्रेट करने लगेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पे जाके ये इकट्ठे होने लग जाएंगे बच्चों। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे अपन कहते हैं लायोफोबिक वाले, द पार्टिकल ऑफ सोल मे और मे नॉट बी माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ पाए? अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लायोफिलिक सोल की बात चल रही है, तो हम कह रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, अपना कोलाइडल सॉल्यूशन लायोफिलिक वाले में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में डालते हैं बच्चों, तो अपन को क्या होगा, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो सोल के पार्टिकल हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो पार्टिकल एनोड और कैथोड की तरफ मूव करते हुए जाते हुए दिखाई देंगे। ये श्योर है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये सारे पार्टिकल एनोड कैथोड की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। श्योरिटी है, मतलब हम कंफर्म कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इन पार्टिकल्स का मूवमेंट एनोड और कैथोड की तरफ होता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं बच्चों लायोफोबिक सोल के अंदर, तो इसके पार्टिकल जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, हम इसकी कंडीशन को कंफर्म नहीं करते हैं। लायोफिलिक के लिए हम लोग कंडीशन कंफर्म कर देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो पार्टिकल का मूवमेंट एनोड कैथोड पर होगा ही होगा। लेकिन अगर अपन लायोफोबिक सोल की बात करते हैं बच्चों, तो अपन यहाँ पे कहते हैं कि जो पार्टिकल हैं सोल के वो माइग्रेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो पार्टिकल्स जो हैं वो माइग्रेट होंगे भी और माइग्रेट नहीं भी होंगे, दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती है। मतलब यहाँ पे क्या हो गई, एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, प्रोबेबिलिटी अपन कहते हैं ना जिसको, कि यहाँ पे पॉसिबल है जा भी सकते हैं और ये भी पॉसिबल है कि वो माइग्रेट भी नहीं करें। इज दैट क्लियर बच्चों? लायोफिलिक वाले पार्टिकल्स मूव करेंगे, लेकिन लायोफोबिक वाले कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब आते हैं अपन, सोल्स आर रिवर्सिबल, ये चीज़ समझ में आई बच्चों? सोल जो होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होने का मतलब अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपन ने किया था जैसे शेक वाला बात हो गई, वही वाली चीज़ है। डिस्पर्जन मीडियम को कंटिन्यू शेक करोगे तो शेक होने के बाद आपको क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये सोल जो बनेगा वो कैसा है बच्चों, रिवर्सिबल है, वो उसको बनाया जा सकता है। लेकिन ये इरिवर्सिबल होता है कि अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोल को ईजिली प्रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब ये इरिवर्सिबल होगा, ये वापस से जनरेट नहीं हो सकता,
ये रीजनरेट हो सकता है, तो अपन ने इसको बोला कि रिवर्सिबल होता है, वापस से आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, बना सकते हो, लेकिन इस वाले को अपन इरिवर्सिबल होता है, जिसको अपन नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई, ये पॉइंट इसी से रिलेटेड है, शेक करोगे रिवर्सिबल, वापस से कंडीशन वैसी वाली हो जाएगी, कोलाइडर सोल बन जाएगा, इसमें अगर एक बार सेटल डाउन हुआ तो वापस दोबारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन बताते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ सोल लोअर देन डिस्पर्जन मीडियम। ये पॉइंट बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो अपन बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की, यहाँ पे मैं ये देखती हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोग, जब अपन सरफेस टेंशन की बात करते हैं, हम लोग अभी पढ़ के आए थे सरफेस टेंशन, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, दो चीज़ें अपने पास, सरफेस टेंशन ऑफ सोल लोअर देन डिस्पर्जन मीडियम, आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके कंपेरिजन में जो सोल है, ठीक है, सोल है तो सोल का क्या होगा बच्चों, सरफेस टेंशन क्या करेगा, मतलब पार्टिकल के ऊपर ही लग रहा है, अपन यहाँ पे कह रहे हैं सरफेस टेंशन जो है सोल का वो कम होगा डिस्पर्शन मीडियम से। सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा, एक्टिविटी ज़्यादा होगी, सरफेस टेंशन कम होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एक्टिविटी कम हो जाएगी। अपन ने क्या कहा था, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा कोई सब्सटेंस रिएक्टिव होगा, बात समझ में आई, और जिसका सरफेस टेंशन कम होता है इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, हम बात करते हैं बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ठीक है, अपन क्या कहते हैं कोई रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, इज दैट क्लियर, रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रिएक्शन होने के बाद किस में बदल जाएगा बच्चों, वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसका सरफेस एरिया कैसा होगा बच्चों, कम होगा, क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड होगा, वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्टिव कौन होता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होगी तो मतलब क्या करेगा वो ज़्यादा, अपन बताएंगे इसकी रिएक्टिविटी को शो करेगा, रिएक्शन करेगा, एनर्जी ज़्यादा है किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सरफेस एरिया इसका कम हो गया, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी वहाँ पे कम हो चुकी है, मतलब वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। तो हम इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं, सरफेस टेंशन डिस्पर्शन मीडियम का तो ज़्यादा होगा क्योंकि वो क्या करेगा, डिस्पर्स फेस से कॉन्टैक्ट में आएगा, लेकिन जब दोनों कॉन्टैक्ट में आ चुके होंगे तब सरफेस टेंशन सोल का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन का बच्चों कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। बात समझ पाए मेरी, यहाँ पे अपन ने क्या कहा था, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस के बीच में इंटरेक्शन होता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, जैसे जितना ज़्यादा वाटर सरफेस, वाटर का सरफेस जितना अवेलेबल होगा नमक के कांटेक्ट में या सॉल्ट के कांटेक्ट में वो इजीली आ पाएगा, और इजीली क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। बात समझ पाए, सॉल्वेंट का जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा सॉल्यूट ईजिली उसमें डिजॉल्व होगा, ठीक इसी प्रकार डिस्पर्शन मीडियम का सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, डिस्पर्स फेस उससे आके कॉन्टैक्ट में आएगा, अटैच होगा, एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, और आपको क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सरफेस एरिया ज़्यादा था, सरफेस टेंशन ज़्यादा था बच्चों, इस चक्कर में अपन ने क्या बोला, डिस्पर्शन मीडियम का सरफेस टेंशन ज़्यादा था, रिएक्ट किया, दोनों आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद आपको क्या दिया बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन दिया। लेकिन अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सॉल्यूशन बन चुका है तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है, तो आप इस स्टेबल कंपाउंड से समझ सकते हो कि इसका सरफेस टेंशन सोल का या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, स्थायित्व की ओर जाएगा। जब अपन लायोफोबिक की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है, एफिनिटी कम है, तो इसका मतलब इसका सरफेस टेंशन क्या रहेगा, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, उस वाले में तो कम होगा क्योंकि स्टेबिलिटी बता रहा है, यहाँ पे सरफेस टेंशन सेम रहेगा, जितना डिस्पर्शन मीडियम का था उतना ही इसमें सरफेस टेंशन सॉल्यूशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का भी बराबर रहेगा। आप खुद देख सकते हो, अपन बात कर रहे थे यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम का, अपन कह रहे हैं सरफेस टेंशन ज़्यादा है, इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन होने के बाद आपको क्या मिला, कोलाइडल सोल मिल गया, तो ये जो कोलाइडल सोल मिला बच्चों इसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली लोअर हो जाएगा, मतलब ये जो डिस्पर्शन मीडियम था आपका इसके मुकाबले कोलाइडल सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी को बताएगा। लेकिन यहाँ पे सरफेस टेंशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसा है वो एज इट इज वैसा ही रहता है। सेकेंड की बात कर लेते हैं अपन, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पता है आपको, श्यांता, हिंदी में श्यांता कहते हैं, इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं, मतलब विस्कस, कोई भी पदार्थ जितना ज़्यादा विस्कस होगा उसकी फ्लो होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, फ्लो होने की टेंडेंसी कम होने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं विस्कोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी आप देखिए, फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे अपन ने क्या बोला, वाटर लिया। ठीक है, अपन मैं आपको ये एग्जांपल से बताती हूँ बच्चों, विस्कोसिटी का मतलब अपन क्या जानते हैं, किसी भी लिक्विड के फ्लो होने की टेंडेंसी को आप उसकी विस्कोसिटी से बताते हो। एग्जांपल अगर अपन लेना चाहें, जैसे पानी है, पानी को फ्लो करवाओ
एक ग्लिसरीन को फ्लो करवाओ, एक हनी होता है शहद, उसको फ्लो करवाओ। आपको खुद को पता चलेगा कि फ़्लो होने की रेट किसकी ज़्यादा होगी। जिसकी फ़्लो होने की रेट ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो कम विस्कस है, जो इजीली फ्लो हो जाएगा। अगर अपन वाटर को फ्लो करवाएंगे बच्चों, तो फटाफट ऊपर से किसी, आपने क्या करा, किसी स्लोप से, जैसे अपन स्लोप से गिराते हैं ना, आपने ग्लिसरीन को स्लोप से गिराया, आपने वाटर को स्लोप से गिराया। अब जब आप इस स्लोप से वाटर को गिरा रहे हो और इस स्लोप से आप ग्लिसरीन या हनी को गिराते हो, तो आप देखोगे पानी बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, फटाफट बह के नीचे आ जाएगा। लेकिन हनी या अपन ने लिया ग्लिसरीन, उसको आप ऊपर से नीचे बहाओगे बच्चों, तो उसको नीचे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो क्या है, गाढ़ा है, विस्कस है। ठीक है, विस्कस अपन बोलते हैं, गाढ़ापन अपन बोलते हैं, उसको विस्कोसिटी से बताते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, लायोफिलिक के लिए विस्कोसिटी ऑफ द सोल हायर देन डिस्पर्शन मीडियम। सोल की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, कोलाइडल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसके डिस्पर्शन मीडियम से। कैसे होगी, हम इसको समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए वाटर आपका क्या है बच्चों, डिस्पर्शन मीडियम है, इसको मैं शॉर्ट में डीएम लिख रही हूँ। डिस्पर्शन मीडियम है, वाटर है आपका, इसमें आपने क्या लिया, स्टार्च को मिक्स किया। स्टार्च और वाटर का अपन कंपाउंड बनाते हैं ना, स्टार्च जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसमें वाटर ही तो है, डिस्पर्शन मीडियम जिसमें स्टार्च के मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, डिस्पर्स फेस हैं, डीपी हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया डीपी, डिस्पर्स फेस, और डीएम डिस्पर्शन मीडियम। वाटर में आप स्टार्च को मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चों, स्टार्च का सॉल्यूशन मिल जाता है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है, स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये सॉलिड था बच्चों, स्टार्च के पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में थे, हमने उसको पानी में मिलाया तो हमको क्या मिला, स्टार्च का सॉल्यूशन मिला। अब आप इसको ध्यान से देखिए, जब वाटर था, वाटर क्या है यहाँ पे, डिस्पर्शन मीडियम, इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी क्या थी, कम थी, विस्कस कम है बच्चों। पानी आपको पता है बहुत पतला होता है, पतला मतलब आसानी से बह सकता है वो। ठीक है, तो विस्कोसिटी, विस्कस, गाढ़ापन पानी का कम है, लेकिन जैसे आपने स्टार्च मिलाया तो इसकी विस्कोसिटी जो बना आपको, स्टार्च सॉल्यूशन क्या है आपका बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन है, या अपन इसको क्या कहते हैं, सोल है। तो आप देखोगे वाटर का तो विस्कोसिटी कम है, लेकिन जैसे ही स्टार्च का सॉल्यूशन बना, मतलब क्या बना यहाँ पे, सोल बना, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन बना, इस कोलाइडल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी की बात करेंगे तो अपन क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा कैसे होगी, आप खुद समझ सकते हो। स्टार्च के पार्टिकल को आपने पानी में मिलाया, पानी में मिला के घोला, उसको घोलने के बाद आपको क्या मिला, वहाँ पे स्टार्च का सॉल्यूशन मिला जो कि गाढ़ा गाढ़ा सा है। ठीक है, बहुत गाढ़ा है, बहुत विस्कस है, तो आपको देख के पता चल जाएगा विस्कोसिटी सोल की ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है बच्चों, डिस्पर्शन मीडियम से ज़्यादा है। जैसे हम गम की बात करते हैं, जैसे हम स्टार्च की बात करते हैं, जैसे हम रबर की बात करते हैं। और अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा, जिलेटिन लाते हैं हम लोग घर के अंदर, जिलेटिन पाउडर होता है बच्चों, पानी जो है, ठीक है, पानी में जिलेटिन मिलाकर जेली बनाई जाती है। आपको नहीं भी पता हो, जेली तो सभी ने देखा होगा बच्चों, जेली क्या होती है, चॉकलेट होती है खाने की, या अपन कई जगह पे उसको काम में लेते हैं। जेली से कुछ स्वीट्स बनाई जाती हैं, कुछ मिठाइयाँ, कुछ अलग तरह की चीज़ें खाने के, अपन केक के ऊपर देखते हैं, डेकोरेशन में बहुत जगह पे काम में लिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ को समझिएगा, या आपने नेट पे भी कई तरह के वीडियोस देखे होंगे, आजकल बहुत वायरल हो रहा है ये कि जिलेटिन पाउडर लिया, वाटर में मिक्स किया और डिफरेंट टाइप की जेलीज बना दी, डिफरेंट कलर की जेली बना दी, तो ये चीज़ आपने देखी होगी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बच्चों, जिलेटिन जो पाउडर वहाँ पे काम में लिया जाता है जेली बनाने के लिए, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्च का एग्जांपल दिखाया, सेम भाई आप कह सकते हो जिलेटिन पाउडर आता है, वो क्या है आपका, डिस्पर्स फेज है, उसको आपने किस में मिक्स किया बच्चों, वाटर में मिक्स किया। तो वाटर में मिक्स करोगे जब आप उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिस्पर्शन मीडियम, मतलब वाटर जो था बच्चों क्या था आपका, उसकी विस्कोसिटी कम थी, लेकिन जैसे ही आपने जिलेटिन इसमें डाला तो जिलेटिन वाला जो सॉल्यूशन बनेगा जेली जैसा बन गया बच्चों, गाढ़ा हो गया। गाढ़ा होने का मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या हुई, बढ़ गई। बढ़ गई तो अपने यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, विस्कोसिटी ऑफ सोल हायर देन डिस्पर्शन मीडियम। तो विस्कोसिटी जो सोल की है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन की है, वो ज़्यादा हो जाएगी, और डिस्पर्शन मीडियम की कंपैरिजन में, डिस्पर्शन मीडियम की हम बात करें तो इसकी कम होगी। सोल जो बनेगा हमारा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, उसकी विस्कोसिटी हाइयर होगी। जैसे गम होता है, गोंद होता है, गोंद को भी पानी में मिक्स करके बनाते हैं, तो क्या होता है इसकी, गम की, गोंद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है पानी के कंपैरिजन में। स्टार्च की मैं बात करूँ तो स्टार्च की विस्कोसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी बच्चों। और अपन बात करते हैं जिलेटिन की, तो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। ये लायोफिलिक के एग्जांपल है, जैसे गम हो गया, जैसे स्टार्च हुआ, जैसे रबर हुआ। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं, जैसे सरफेस टेंशन सेम था, कोई भी चेंज नहीं आया था उसका, जो डिस्पर्शन मीडियम का सरफेस टेंशन था वैसा का वैसा इसका था, क्योंकि जब अफेक्शन ही नहीं हो रहा, प्रॉपर बॉन्डिंग ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन कम या ज़्यादा नहीं होगा। किस में नहीं होगा बच्चों, लायोफोबिक सोल के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी भी सेम यहाँ पे ऐसी ही रहेगी जितनी की डिस्पर्शन मीडियम की थी। बात समझ में आई, अब आप खुद ही समझ सकते हो। जब क्या है बच्चों,
अट्रैक्शन ही नहीं है, इतना अफेक्शन है ही नहीं, प्रॉपर क्या आप बोल रहे हैं अपन, मिक्सिंग हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, विस्कोसिटी भी सेम ही रहेगी, जैसे डिस्पर्शन मीडियम की जो विस्कोसिटी थी, तो जो सोल बनेगा उसकी विस्कोसिटी भी एज इट इज ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे इनकी एग्जांपल क्या होगा, मेटल सल्फाइड सोल हो गया, मेटल सल्फाइड का सोल बना लो, मेटल के सोल देखते हैं अपन, मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो मैं आपको वापस से बता देती हूँ बच्चों, शॉर्ट में अपन देख लेते हैं, अपन ने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन कोलाइड का देखा था, ये अपन किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के कॉन्टैक्ट होने पर, उनकी मिक्सिंग होने पर, उसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि इनकी मिक्सिंग किस तरह से होती है। उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि दो टाइप के आपको सोल मिलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलते हैं, लायोफिलिक होगा, लायोफोबिक होगा। लायोफिलिक और लायोफोबिक अपन ने सीधा बता दिया था, लिक्विड लविंग और दूसरा लिक्विड हेटिंग। लिक्विड लविंग मतलब बॉन्डिंग स्ट्रांग, लिक्विड हेटिंग मतलब बॉन्डिंग वीक होगी। अब अपन यहाँ पे बता रहे हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट अपन ने ले लिया, स्ट्रांग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में स्ट्रांग एफिनिटी मतलब स्ट्रांग बॉन्ड है, ज़्यादा अट्रैक्शन है, अच्छा अपन को क्या मिलेगा, इसका मिक्सचर जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, अच्छी मिक्सिंग होगी। लो एफिनिटी है मतलब अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अट्रैक्शन कम है, तो आपको जो सोल मिलेगा, आपको जो कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, वो प्रॉपर मिक्सिंग का नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट अपन ने यहाँ पे बताया था, जैसे ही हम शेक करते हैं डिस्पर्शन मीडियम को, ये सीधा सीधा कोलाइडल सॉल्यूशन को बना देता है, डायरेक्टली बना देता है। जैसे छाछ को जब अपन पीते हैं तो अच्छे से घोल लेते हैं ताकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है छाछ का वो क्या हो जाए, प्रॉपर हो जाए, उसका डिस्पर्शन मीडियम अलग नहीं हो, डिस्पर्स फेस अलग नहीं हो। इज दैट क्लियर बच्चों? जैसे छाछ को कुछ देर के लिए आप रख देते हो, पानी अलग हो जाता है, सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है, लेकिन फटाफट शेक करते हो तो दो मिनट में छाछ आपकी पीने के लिए तैयार हो जाती है, इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन फटाफट तैयार हो जाता है। उसकी इस प्रॉपर्टी को अपन लोग इंट्रिंसिक कोलोइड से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। बात समझ में आई? जब कोलाइडल सॉल्यूशन आप फटाफट तैयार कर लेते हो, डायरेक्टली तैयार कर लेते हो बच्चों शेक करके, उसको अपन क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कोलोइड कहते हैं। जैसे गम, स्टार्च, जिलेटिन इसके एग्जाम्पल हो गए। ये सोल जो होता है लायोफोबिक वाला, वो अपन डायरेक्टली तैयार नहीं कर सकते, दो मिनट में तैयार नहीं होता, उसके लिए डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं बच्चों। इस तरह के कोलोइड्स को हम लोग एक्सट्रिंसिक कोलोइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे मेटल के सोल ले लिए, तो अपन कह सकते हैं लायोफिलिक सोल को इंट्रिंसिक कोलोइड कहते हैं, लायोफोबिक सोल को एक्सट्रिंसिक कोलोइड कहते हैं। उसके बाद अपन कह रहे थे ये आसानी से बन जाते हैं, सीधी सी बातें, घुमा के बना लो आसानी से बन जाते हैं, ये डिफिकल्ट टू प्रिपेयर है, ये आसानी से नहीं बनते हैं, इनको डिफरेंट अलग अलग मेथड से बनाना पड़ता है। अपन ने नेक्स्ट पॉइंट बोला, पार्टिकल जो है सोल के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो सोल के पार्टिकल एनोड और कैथोड पे मूव करेंगे ही करेंगे, लेकिन लायोफोबिक वाले में दो कंडीशन है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? उसके बाद अपन ने कहा था ये जो सोल है रिवर्सिबल है, फटाफट रिवर्स हो जाता है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है, एक बार बनने के बाद दोबारा बैठेगा नहीं, दोबारा वापस से क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे अपन ने कहा था शेक करके दोबारा बना सकते हैं तो रिवर्सिबल है, इसको शेक करके नहीं बना सकते तो ये इरिवर्सिबल होगा। उसके बाद अपन बताते हैं बच्चों सरफेस टेंशन जो है सोल का वो कम हो जाता है डिस्पर्शन मीडियम से। डिस्पर्शन मीडियम का जितना सरफेस टेंशन होगा वो सोल का, सोल बनने के बाद उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग हो चुकी है, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा था, तो जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम ने मिलकर कोलाइडर सॉल्यूशन बनाया, वो कोलाइडर सॉल्यूशन बच्चों सरफेस टेंशन उसका कम होगा क्योंकि स्टेबल है। यहाँ पे सरफेस टेंशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिस्पर्शन मीडियम का सरफेस टेंशन था बच्चों वही का वही किसका रहेगा, सोल का भी सरफेस टेंशन होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अपन यहाँ पे क्या बताते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे हम, ये कंपाउंड इतना स्टेबल है ही नहीं, तो इसके सरफेस टेंशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया। सेम इसी तरह विस्कोसिटी सोल की बढ़ जाएगी डिस्पर्शन मीडियम के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है। जैसे गम, स्टार्च, रबड़ बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे विस्कोसिटी वैसी की वैसी रहती है जितनी की डिस्पर्शन मीडियम की है, क्योंकि मिक्सिंग अच्छे से हुई नहीं, क्योंकि अफेक्शन यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जो कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाई। बात समझ में आई आपको? इसके एग्जाम्पल अपन ने मेटल सल्फाइड और सोल से बता दिया। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस थे लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल के बारे में। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट होता है बच्चों तो आप डाउट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्लासिफिकेशन पार्ट पर। बच्चों अब हम आते हैं अपने क्लासिफिकेशन पे। पहला क्लासिफिकेशन देखा था हमने कोलोइड्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो इट इज़ बेस्ड ऑन
कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिस्पर्शन फेस या डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड पढ़ा, जिसमें पहला वाला पार्ट हमने किसके बारे में पढ़ा, किस चीज़ के बारे में बता रहा था, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम के कॉन्टैक्ट के बेस पे, कि किस तरह से वो दोनों आपस में मिक्स होते हैं, उनका किस तरह से पार्टिकल की मिक्सिंग होती है, उसके बेसिस पे हमने दो टाइप से पढ़ा था, लायोफिलिक पढ़ा एंड लायोफोबिक सोल पढ़ा। अब हम जो आ रहे हैं कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, अकॉर्डिंग टू डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस के अकॉर्डिंग वो किस तरीके का होगा वो चीज़ हम देख रहे हैं बच्चों। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि क्लासिफिकेशन जो है वो दो पे डिपेंड कर रहा है, एक किस पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट कैसा होता है, ये दोनों किस तरह से कॉन्टैक्ट करती हैं, उनके मिक्सिंग के बेसिस पे हम लोगों ने लायोफोबिक एंड लायोफिलिक टाइप पढ़े। अब अपन किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स फेस के बेसिस पे, उसके पार्टिकल के बेसिस पे, कि डिस्पर्स फेस में जो पार्टिकल्स आते हैं बच्चों वो पार्टिकल किस तरीके के हो सकते हैं, उनके बेसिस पे कोलोइड्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करके आए थे। पहला था मल्टी मोलिकुलर कोलोइड, दूसरा है मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड और तीसरा है एसोसिएटेड कोलोइड। बच्चों ये चीज़ हम लोगों ने पहले नाम लिखे थे, अब जो है हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ होती है बच्चों। फर्स्ट है मल्टी मोलिकुलर कोलोइड, सेकेंड है मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड और थर्ड वाला है एसोसिएटेड कोलोइड। अब ये क्या चीज़ होती है इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको नाम से ही बताया था मल्टी मोलिकुलर, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड का मतलब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे क्या है, एक मोलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मोलिक्यूल जुड़े हुए हैं। बात समझ में आई मेरी, एक नहीं है, एक से ज़्यादा मल्टी मोलिकुलर कोलोइड की हम बात करेंगे। अपन यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, मान लीजिए हम लोगों ने क्या कहा था, कोलोइड्स जो होते हैं बच्चों, कोलोइड्स की बात हमने की थी कि कोलोइड कौन से वाले पार्टिकल्स को हम कोलोइड पार्टिकल बोलेंगे, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, या फिर अपन 1000 को कैसे लिख रहे थे, 10^3 नैनोमीटर। बात समझ में आई बच्चों, हमने यहाँ पे क्या चीज़ बोली थी, कोलोइड्स हम उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है, वो सारे पार्टिकल्स को हम लोग कोलोइड पार्टिकल कहेंगे। अब यहाँ पे जब अपन मल्टी मोलिकुलर कोलोइड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, पार्टिकल साइज इनसे कम होता है। बात समझ पाए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक की रेंज से नहीं होगा, इससे कम साइज के मिलेंगे। तो जो पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज के होते हैं बच्चों, अपन ने बोला यहाँ पे कि इनका साइज क्या है, कोलोइड पार्टिकल का साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर वाले पार्टिकल्स को ही कोलोइड पार्टिकल हम लोग मानते हैं। अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज इतनी रेंज से कम होगा, जब उन पार्टिकल्स का साइज इतनी रेंज से कम होगा बच्चों तो क्या होगा, वहाँ पे क्या चीज़ होती है, वहाँ पे ये पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके कितना बना लेते हैं शेप, इतने 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में इतनी रेंज का ये पार्टिकल का साइज बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, दे आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विच जनरली हैव डायमीटर इन कोलाइडल रेंज। बात समझ में आई बच्चों, ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज कोलाइडल पार्टिकल के बराबर नहीं है, उससे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल क्या करते हैं बच्चों, एक साथ कंबाइन होकर जुड़ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एग्रीगेशन होना जुड़ना, एग्रीगेशन होता रहा है, जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो कर रहे हैं, छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आके कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं पार्टिकल, और जुड़ने के बाद वो कोलाइडल रेंज वाले साइज के अंदर आ जाते हैं। जब वो इतने साइज के हो जाते हैं बच्चों तो वो क्या करते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड को बनाते हैं। बात समझ में आई, नाम से समझ में आ रहा है हमको यहाँ पे कि एक मोलिक्यूल तो होगा नहीं, मल्टी मतलब बहुत सारे होंगे, तो अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है मल्टी मोलिकुलर कोलोइड के अंदर बच्चों, यहाँ पे एक पार्टिकल नहीं होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो बहुत सारे एटम या मॉलिक्यूल लार्ज नंबर में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद वो कोलाइड वाली जो रेंज है पार्टिकल साइज की उसके अंदर आ जाते हैं, और उतनी रेंज में आने के बाद जब इनका साइज इसके इक्वल हो जाता है तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड को फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन ने बताया, जैसे गोल्ड का सोल होगा, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, गोल्ड का एक पार्टिकल इतना बड़ा है नहीं कि जो कोलाइडल वाली रेंज के इक्वल हो, तो वो क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं और गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से सल्फर वाले के अंदर भी आएगा, और आपको पता है ये हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन डर वाल फोर्सेस। अब अपन क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने के बाद वो क्या कर रहे हैं, कोलाइड को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो जुड़ेंगे बच्चों किस तरीके से जुड़ेंगे, कौन सा फोर्स वर्क करेगा वहाँ पे, वॉन डर वाल फोर्स
अपन कहते हैं वैन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, आपस में वैन डेर वाल फोर्स के थ्रू आके जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल मिलके कोलाइड के साइज जितना पार्टिकल बना लेंगे और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड को फॉर्म करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया व्हाट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड? नाम से समझ में आ रहा है एक मॉलिक्यूल नहीं है, मल्टी मॉलिक्यूल मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है आपस में जुड़े, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में आके जुड़ गए, जुड़ने के बाद कोलोइड के साइज के पार्टिकल बन गए और उन्होंने मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड को फॉर्म किया। एग्जांपल यहाँ पे जैसे गोल्ड का सोल हो गया, जैसे सल्फर के सोल हो गया एक्सेट्रा। अब आते हैं अपन मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड पे। अब यहाँ को इस बात को समझने के लिए देखिए, अभी तक अपन कह रहे थे कुछ पार्टिकल साइज छोटे होते हैं जो कोलाइड के इक्वल नहीं होते, उससे छोटे होते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल है आपस में कंबाइन हुए, देखिए कंबाइन होकर उन्होंने क्या करा इतना मॉलिक्यूल बना दिया जो कि कोलाइडल पार्टिकल के साइज का होता है। अब अपन बात कर रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की, तो मैक्रो नाम से समझ में आ रहा है, मैक्रो मतलब यहाँ पे क्या हो गया एक बड़ा मोल, बड़ा मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम, एक ही मॉलिक्यूल होगा लेकिन वो क्या होगा बच्चों साइज में बहुत बड़ा होगा। बात समझ में आई? एक तो अपन क्या कहते हैं टेनिस बॉल जैसे छोटे छोटे हो गए, लेकिन कोलाइडल वाला जो पार्टिकल साइज है वो कितना है, वो अपन कह सकते हैं वो क्रिकेट बॉल जितना है, या अपन कहते हैं बहुत छोटी छोटी बॉल है, बॉल्स हैं, आपने देखा होगा कंचे आते थे पहले है ना, ग्लास की स्मॉल बॉल्स बनी भी होती हैं, या हम कह सकते हैं इतना छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, वो छोटी छोटी बॉल्स जो है वो कोलाइडल पार्टिकल से क्या है ये मान लीजिए, ठीक है। हम कहते हैं क्रिकेट बॉल जो है बच्चों वो क्या चीज़ है, वो कोलाइड पार्टिकल है, पार्टिकल का रेंज जो है पार्टिकल साइज कोलाइड का वो क्या है क्रिकेट बॉल जितना मान लेते हैं। अब हम कह रहे हैं छोटी सी बॉल्स आती हैं बच्चों, अगर आपने देखी हो छोटे छोटे बच्चों के खेलने की बॉल आती है इतनी इतनी सी आती है, प्लास्टिक की बॉल्स भी आती हैं वो, या फिर अपन कह सकते हैं रबर की बॉल भी आती हैं, आप लोगों ने खेली होगी छोटी सी कलरफुल बॉल्स आती हैं, ठीक है। अपन मान लेते हैं यहाँ पे क्या है मल्टी मॉलिक्यूलर वाले सिस्टम में ये बॉल इतनी छोटी है लेकिन इसको इतना बड़ा साइज होना है, तो क्या करेंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतनी इतनी बॉल्स को आप जोड़ के इसके इक्वल ले आओगे, जब इसका साइज इसके इक्वल हो जाएगा मतलब ये कोलाइड को फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे ये एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल छोटी छोटी बॉल्स को आपने जोड़ा, जोड़ने के बाद आपको क्रिकेट जितनी बॉल का साइज मिल गया, इसका मतलब वो क्या हो गया कोलाइडल के बराबर आ गया। ये जो पार्टिकल साइज है कोलाइड का है, ये मल्टी मॉलिक्यूलर छोटे पार्टिकल है, मिलके ये लोग इक्वल हो गए, किसके इक्वल हो गए बच्चों कोलाइडल पार्टिकल के इक्वल साइज में हो गए। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर जितना पार्टिकल साइज इनका हो गया कोलाइडल जितना, तब इन्होंने क्या किया बच्चों इन्होंने मिलकर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड को फॉर्म किया। अब अपन मैक्रो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए फुटबॉल कह सकते हो आप इसको, फुटबॉल जो है क्रिकेट बॉल से बड़ी है। अब अपने को कोलाइड बनाने के लिए पार्टिकल साइज चाहिए इतना, लेकिन यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या है एक बड़ा ही मॉलिक्यूल है जो कि क्या है बहुत ज़्यादा साइज का है, तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा बच्चों इसको तोड़ दिया जाता है। इसको तोड़ के हम क्या करते हैं कोलाइडल पार्टिकल के साइज जितने पार्टिकल में अपन इसको ले आते हैं। मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने तोड़ा, वैसे पॉसिबल नहीं होता इस चीज़ को तोड़ना, पर हम सिर्फ एक अज्यूम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया गया फुटबॉल है, या हम कह सकते हैं वाटरमेलन है जिसको क्रिकेट बॉल जितना बनाना है, तो क्या कर रहे हैं हम उसको इतना पार्टिकल साइज उसका छोटा कर रहे हैं, काट के छोटा कर दिया ताकि वो किसके इक्वल हो जाए क्रिकेट के बॉल जितना इक्वल हो जाए। अब इसके इक्वल करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल इसमें मिल जाएंगे, जैसे ये प्रॉपर नहीं है पर अपन इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या था एक वो बड़ा बॉल था मतलब लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल था, मैक्रो मॉलिक्यूल को पार्ट में तोड़ दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे पार्टिकल साइज में बदल दिया जाता है, और जब इसका पार्टिकल साइज कोलोइड के पार्टिकल जितना हो जाता है तब जाके ये लोग मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड को फॉर्म करते हैं। बच्चों बात समझ में आई? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दे हैव सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल सो लार्ज दैट दे फॉल इन कोलाइडल रेंज, ठीक है, बात समझ में आई? इनके पास एक ही मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, इतना बड़ा होता है, या तो वो कोलाइडल रेंज के बराबर होता है, और नहीं होता तो उसको तोड़ के इक्वल कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमने कहा छोटे छोटे पार्टिकल है जो कोलाइड के इक्वल नहीं है तो सारे कंबाइन होके कोलाइडल वाली रेंज में आ जाते हैं। दूसरी चीज हमने कहा यहाँ पे या तो दो कंडीशन है बच्चों ध्यान से सुनना, दे हैव सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल सो लार्ज दैट दे फॉल इन कोलाइडल रेंज, ठीक है, या तो क्या होगा आपको एक ही क्रिकेट बॉल होगी इतनी बड़ी जो कि क्या कर रही है इस क्रिकेट बॉल की इक्वल है, सेम सेम साइज की है, तो आपको यहाँ पे क्या कर रही है मल्टी मॉलिक्यूल की तरह बहुत सारे जोड़ने नहीं पड़ रहे, एक ही बॉल आपको मिल गई, या फिर आपको क्या कर दी जाती है फुटबॉल जैसी बॉल दी जाती है। बात समझ पा रहे हो बच्चों मेरी? दो कंडीशन हो सकती है मैक्रो मॉलिक्यूल में, या तो आपको कोलाइडल की रेंज जितना पार्टिकल साइज एक ही पार्टिकल मिल जाएगा, या फिर उससे बड़ा पार्टिकल मिलता है तो आप उसको तोड़ के क्या कर सकते हो कोलाइडल पार्टिकल के इक्वल रेंज में ला सकते हैं, मतलब कोलाइडल पार्टिकल जितना अपन साइज उसका कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो एक ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कोलाइडल रेंज में आ जाता है, नहीं तो उससे बड़ा होता है तो उसको तोड़ के उस रेंज में कर लिया जाता है। एग्जांपल जैसे पॉलीमर्स हैं,
पॉलीमर में रबर है, नायलोन है, पॉलीथीन है, ये सारे क्या है बच्चों, मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े अणु हैं, मैक्रोमोलिक्यूल हैं जो कि क्या करते हैं, कोलाइडल फॉर्म करते हैं, कोलाइडल रेंज में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं होंगे, एक ही सिंगल मॉलिक्यूल ही इनके लिए इक्वल होता है, और हो सकता है कि एक इतना बड़ा हो कि उसके भी चार या पांच टुकड़े करके कोलाइडल रेंज में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहा जाता है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स, जिसके अंदर पार्टिकल जो होता है वो एक ही होगा या फिर एक बड़ा होगा तो उसको तोड़ के वो एक ही पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज के इक्वल हो जाएगा। जो कोलाइडल रेंज कितनी होती है बच्चों, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होगी, वो कोलाइडल रेंज में ये आ जाएगा। एग्जाम्पल हमने देख लिए, पॉलीमर हुआ, रबड़ हुआ, नायलोन, पॉलीथीन, स्टार्च, सेल्यूलोस, एंजाइम, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं सब पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे रबड़ हो गया, नायलोन हो गया, पॉलीथीन हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं और अदर एग्जाम्पल्स में, स्टार्च हुआ, सेल्यूलोस हुआ, एंजाइम्स हुए, ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, कोलाइडल रेंज को शो करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने, कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स। कई बार ये जो कोलाइड होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी बिहेव कर देते हैं। इनका नेचर ऐसा है कि अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने रखा बच्चों, तो ये जो कोलाइड्स होंगे क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कोलाइड भी कह सकते हैं, कोलोइडल इलेक्ट्रोलाइट्स भी इनको कहा जाता है। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स को कोलोइडल इलेक्ट्रोलाइट्स भी अपन कह सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया व्हाट इज मल्टी मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं। मैक्रोमोलिक्यूल में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बड़ा मॉलिक्यूल होगा या तो एक ही होगा या उससे भी बड़ा होगा, तो उसको तोड़ के अपन क्या करेंगे, उसके साइज जितना कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो कोलाइडल के इक्वल हो जाए और कोलाइड को फॉर्म करे, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट वाले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है एसोसिएटेड कोलाइड। अब यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, एसोसिएटेड कोलाइड एक्चुअल में क्या होता है, आपने मिसेल पढ़ा है, एसोसिएट कोलाइड को हम सीधा किससे रिलेट कर सकते हैं बच्चों, मिसेल से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए ये नोट कर लीजिए आप लोग, मेरे साथ ही नोट कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ आप लोग साथ साथ में नोट कर लीजिए। आप अपन मिसेल को करने के लिए मैं यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे बना देती हूँ। मिसेल आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों सभी ने, मिसेल आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, मिसेल फॉर्मेशन होता है जिससे कपड़ों की क्लीनिंग होती है, कपड़ों को साफ किया जाता है। क्या होता है असल में बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला C17H35COOH, आपको पता है क्या है, ये स्टेरिक एसिड है, ठीक है। स्टेरिक एसिड की बात करते हैं जो कि सोप और डिटर्जेंट में पाया जाता है बच्चों, अगर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम के साथ, तो आपको क्या मिलता है बच्चों, C17H35COONA, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड बनाता है। इतनी क्लियर है, हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि अगर बच्चों को नहीं समझ में आया हो वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं बच्चों, मिसेल हमें क्या पढ़ना है, एसोसिएटेड कोलाइड समझना है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम किससे समझ सकते हैं बच्चों, मिसेल से समझ सकते हैं। मिसेल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अपन ने कहा स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35COH, ठीक है। उसकी रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं, सोडियम से करवाते हैं, तो अपन को मिलता है C17H35COONA। अब यहाँ पे जो आपको COONA मिला है बच्चों, वहाँ पे क्या है, लास्ट में अपने क्या हुआ, सोडियम आके अटैच हो गया, सोडियम अटैच हुआ तो आपको खुद को दिखाई दे रहा है COO वाला पार्ट तो क्या है बच्चों, नेगेटिव एंड हो गया, और सोडियम वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव एंड हो गया। तो अपन क्या करते हैं, जब इसको शो करते हैं तो अपन इसको जिगजैग वाली लाइन में बताते हैं। बात समझ पा रहे हो बच्चों, इसको मैं जिगजैग वाली लाइन में क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ आप गौर करिए। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है C17H35, एक्चुअल में हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को हमेशा अपन इस तरह जिगजैग चेन में शो कर सकते हैं। मोस्टली जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, तो हम इसको इस तरीके से जिगजैग में शो करते हैं कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को, और लास्ट में जो मैंने एंड में इसको जोड़ा है वो क्या है आपका, COO- ग्रुप है। अब ये जो बच्चों ये चेन लंबी बनी है, ये कैसे दिखाई दे रही है आपको, कोई कीड़े जैसे दिखाई दे रही है, कुछ कीड़े होते हैं इस तरह के, अपन कह सकते हैं कोई लंबा कीड़ा है या कोई भी चीज़ है। बायो वाले बच्चे पढ़ते हैं ना कीड़ों के बारे में, अपन कहते हैं वॉर्म्स है डिफरेंट टाइप के, तो ये क्या होते हैं, एक लंबी, अपन कह सकते हैं एक लंबा कीड़ा है ऐसा, जो क्या है इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या होगा बच्चों, एक हेड पार्ट होगा और पीछे वाला पार्ट अपन क्या कहेंगे, पूरी चीज़ जो है वो उसकी क्या हो गई बच्चों, टेल हो गई। बात समझ पाए, जहाँ पे सीओ वाला एंड है उसको तो अपन क्या कहेंगे, हेड पार्ट कहेंगे, हेड, ठीक है। अब एक कीड़ा कहा जब हमने इसको, कि एक कीड़ा है ये, तो कीड़े का सर भी होगा और उसकी पूंछ भी होगी। बात समझ में आई, तो यहाँ पे जो कीड़ा अपन ने बताया बच्चों, यहाँ पे सीओ ग्रुप जो है वो क्या हो गया, एक्चुअल में इसका हेड हो गया, और ये जो टेल पार्ट है इसका वो क्या हो गया, इसका पीछे वाला हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। अब यहाँ पे दो पार्ट है, हेड एंड टेल पार्ट, ठीक है। अब जो हेड पार्ट है बच्चों वो तो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, अभी अपन पढ़ के आए थे लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक, लिक्विड लविंग, मतलब हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पार्ट है बच्चों ये,
जो हेड पार्ट है वो क्या पार्ट हो जाएगा, वाटर लविंग, और जो टेल पार्ट है बच्चों वो क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक। नोट करते चलिएगा साथ में, हाइड्रोफोबिक जिसको अपन क्या कहते हैं, वाटर हेटिंग पार्ट। वाटर हेटिंग पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे समझ में आया। मीसेल की बात करी हम लोगों ने, स्टेरिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करके आपको क्या कहता है, सोडियम स्टेराइड देता है, C17H35CO वाला पार्ट नेगेटिव और Na वाला पार्ट पॉजिटिव। अब अपन यहाँ पे क्या बताते हैं बच्चों, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जब अपन देखते हैं तो यहाँ पे दो पार्ट हमें दिखते हैं, जैसे कोई कीड़ा होता है ठीक उसी प्रकार स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। हाइड्रोकार्बन को अपन ने चेन की फॉर्म में बताया है जो कि उसका टेल पार्ट बनाती है, और जो CO ग्रुप है एसिटिक एसिड वाला जो ग्रुप है बच्चों वो क्या बनाता है, हेड वाला पार्ट बनाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, उसको अपन हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, ये वाटर हीटिंग होता है, मतलब पानी से दूर भागता है। जो पानी से दूर भागेगा उसको क्या बोलोगे आप, हाइड्रोफोबिक पार्ट, और जो पानी के पास आएगा कांटेक्ट में आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, वाटर लविंग। वाटर लविंग, वाटर हीटिंग, तो इसको अपन हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जैसे अपन ने अभी पढ़ा था लायोफिलिक, क्या कहा था हमने, लायोफिलिक लिक्विड लविंग, वैसे हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग वाला पार्ट है, मतलब तेल वाला पार्ट जो पानी से दूर भागेगा, हेड वाला पार्ट जो पानी के और भी पास आ जाएगा, मतलब ये क्या कर रहा है, वाटर लविंग है तो पानी के पास आने की कोशिश करेगा। इससे क्लियर, अब इतना पार्ट है बच्चों, जब ये क्या होता है, जब ये एक या दो में होते हैं इस तरह के चेन आप देखते हो, तो इस तरह की चेन को हम कुछ इस प्रकार शो कर सकते हैं। ये ऐसे हो गई, ये हेड पार्ट, ये इसका टेल पार्ट, ये इसका हेड पार्ट, टेल पार्ट, दिखाई दिया बच्चों। जब ये दो या तीन मॉलिक्यूल रहते हैं तो ये आपस में इकट्ठे नहीं होते। अब ये चीज़ यहाँ से इसकी डेफिनेशन से समझिए, सर्टेन सब्सटेंस बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन मीडियम, ठीक है, किसी भी मीडियम में, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर ये क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो बच्चों किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, बट एट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडल स्टेट। बात समझ में आई बच्चों, अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कोलाइडल फॉर्म में नहीं आए, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। बात समझ में आई, कोई डिस्पर्शन मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट की तरह पड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग पड़े हुए हैं, जैसे ये दो तीन चार ये पड़े हुए हैं इस तरीके से, लेकिन अगर इनकी संख्या बढ़ा दी जाए, अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो क्या होगा बच्चों, एट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडल स्टेट। जब हायर कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा बच्चों, कोलाइडल स्टेट में आ जाएंगे। क्यों कोलाइडल स्टेट में आएंगे, क्योंकि इनके पार्टिकल आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, एसोसिएट होते हैं, जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, कोलाइडल मॉलिक्यूल को बनाते हैं। मिसेल कोलाइडल सॉल्यूशन एसोसिएटेड कोलाइडल का ही बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अगर अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, तीन और चार है तब तो ये क्या करेंगे बच्चों, फ्री फॉर्म में घूमते रहेंगे, मतलब ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे मीडियम में, किस मीडियम में, डिस्पर्शन मीडियम में। लेकिन अगर आप इसकी कंसंट्रेशन तीन चार से बढ़ाते चले जाओगे तो हायर कंसंट्रेशन पे ये कोलाइडल स्टेट में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ना बच्चों, ये आपस में मिक्स होके क्या बना देंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे। ये देखिए आप, जब एक से ज़्यादा होगा, यहाँ पे एक दो तीन चार आप खुद देख सकते हो बच्चों, ये बहुत सारे हो गए आपस में, ये बहुत सारे हो गए, तो इन लोगों ने क्या करा, ये आपस में जुड़ते चले गए। ये जो टेल वाला पार्ट है वो अंदर चला जाएगा, ये हेड वाला पार्ट जो है वो बाहर रहेगा। ये नेगेटिव पार्ट है, इस पर नेगेटिव लिख दिया मैंने, नेगेटिव का चार्ज लगाती है तो आपको खुद को दिखाई दे रहा है बच्चों। जब ये तीन या चार मॉलिक्यूल से ज़्यादा हो गए तो क्या हो गए, आपस में एग्रीगेट हो गए, और एग्रीगेट होकर उन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, जिस मॉलिक्यूल को अपन क्या कहते हैं बच्चों, मीसेल कहते हैं। ये एक्चुअल में आपका मीसेल कहलाता है, जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे। मीसेल एसोसिएटेड कोलाइड का सबसे अच्छा एग्जांपल है। एक्चुअल में होता क्या है, ये स्टेरिक एसिड होता है जो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम स्टेराइड बनाता है, जिसके अंदर तेल वाला पार्ट जो है आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो तेल पार्ट है, जो वाटर हीटिंग है, जो पानी से दूर भागता है। हेड वाला पार्ट जो है वो एसिड ग्रुप है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है, वो वाटर के पास आता है। जब पानी में अपन इसको डालते हैं बच्चों, पानी में मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर में जाने के बाद जो वाटर लविंग पार्ट है, वो वाटर लविंग पार्ट तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे बाहर की तरफ आ जाएगा बच्चों। जैसे ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, हेड वाला पार्ट, और जो टेल वाला पार्ट है जो वाटर हीटिंग है, जो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से डरता है, पानी को पसंद नहीं करता, वो क्या करेगा बच्चों, अंदर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो इनका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि बाहर की साइड में जो वाटर के कॉन्टैक्ट में रहेंगे वो तो क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट, जो कि अपना एसिडिक ग्रुप है, और जो अंदर चला गया बच्चों हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, हाइड्रोफोबिक वाला है,
जो वाटर को हीट करता है वो अंदर की तरफ इकट्ठा हो गया। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ पे क्या चीज हो गई है, मीसेल का फॉर्मेशन हुआ, और मीसेल एक तरह से क्या है बच्चों, एसोसिएटेड कोलोइड है। मीसेल को आप क्या बोलोगे, ये एसोसिएटेड कोलोइड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो इसके पार्टिकल जब एक या दो ही थे, तो एक दो होने के बाद तो ये क्या थे, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे थे, लेकिन जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई, कंसंट्रेशन इनके डिस्पर्शन मीडियम में बढ़ी, वैसे ही ये लोग क्या हो गए बच्चों, कोलाइडल स्टेट में आ गए, कोलाइड फॉर्म कर लिया। कैसे करा, इनके पार्टिकल आपस में जुड़ते चले गए, एग्रीगेट हुए, इकट्ठा हुए, जुड़े, और जुड़ने के बाद इन्होंने मीसेल को फॉर्म कर दिया, मीसेल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब बच्चों मीसेल बनता है तो मीसेल में दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं। पहले तो आप समझ लीजिए मीसेल बन चुका, अब मीसेल का काम क्या होता है, अपन देखते घरों में झाग बनता है, मीसेल फॉर्मेशन होता है, मीसेल देखते अपन लोग जब कपड़े धोते हैं तब क्या करते हैं, झाग बनाते हैं, डिटर्जेंट सोप यही तो होता है, पानी के साथ मिलके आपको झाग जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, झाग जो बन रहा है वहाँ पे बच्चों वो एक्चुअल में मीसेल के मॉलिक्यूल हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब जो मीसेल यहाँ पे बना वो क्या काम करता है बच्चों, कपड़ों को गंदगी को दूर करने का काम करता है। अब आप देखिए किसी शर्ट आपके पास है या कोई भी क्लोथ आपके पास है जिसके ऊपर ऑयल का दाग लग गया है, ऑयल का दाग जब आप उसको डिटर्जेंट से अच्छे से धोते हो तो वो साफ हो जाता है। कैसे साफ होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लोथ लिया आपने, ये इस तरह का क्लोथ है जिसके ऊपर क्या हो गया, ऑयल का स्पॉट आ गया है, ये देखिए बच्चों ऑयल का स्पॉट यहाँ पे है। अब ये ऑयल का स्पॉट साफ कैसे होगा, जैसे आप इसको डिटर्जेंट वाले पानी में डालोगे, मतलब ऐसे पानी में जहाँ पे मीसेल बन चुका है, ये क्या करेगा, इस ऑयल या डर्ट को यहाँ से रिमूव करेगा। कैसे करेगा, ऑयल अपन को पता है ये ऑयल का स्पॉट है, तो एक्चुअली में है क्या ये बच्चों, हाइड्रोकार्बन ही है, और जो अंदर वाला अपने तेल वाला पार्ट है वो भी क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। तो गौर से सुनिएगा, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट ये तेल वाला पार्ट है, ऑयल का पार्ट भी हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट आपस में क्या करेगा बच्चों, इजीली घुल जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं अपन, लाइक डिसॉल्व, जब अपन सॉल्वेंट वाला पार्ट पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक जैसे जो है वो आपस में घुल जाते हैं, लाइक डिसॉल्व। तो यहाँ पे क्या है, ऑयल वाला पार्ट भी हाइड्रोकार्बन है, तेल वाला पार्ट भी हाइड्रोकार्बन है, तो दोनों एक जैसे, दोनों आपस में आसानी से घुल जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, तेल वाले पार्ट क्या करेगा, ये ऑयल के मॉलिक्यूल को अपने साथ इस तरह से चिपका लेगा, जो ऑयल यहाँ पे था, कपड़ा अपने यहाँ पे अंदर डाला तो ऑयल का मॉलिक्यूल क्या चला गया बच्चों, तेल वाले पार्ट के पास आ गया, उसने उसको ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया और अपने साथ लेके कपड़े से किसी भी क्लोथ से उसको रिमूव कर दिया। तो ये होता है कि मीसेल बनता कैसे और मीसेल का एक्शन किस तरह से वर्क करता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, अपन ने क्या कहा, क्लोथ पे डर्ट आ जाए या फिर ऑयल आ जाए वो क्या है, एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन है, और तेल वाला पार्ट भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आपस में डिसॉल्व होंगे, गंदगी को वहां से रिमूव करेंगे, और उसके बाद आपको अपना क्या मिल जाएगा बच्चों, क्लीन क्लोथ मिल जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर बना मीसेल बना, मीसेल एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, वो एसोसिएटेड कोलोइड ही होता है, जहाँ पे मीसेल के मॉलिक्यूल आके क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, जुड़ते जाते हैं, क्या हो रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट और तेल वाला पार्ट जो था, सोप वाला जो इसका स्ट्रक्चर है, सोप और डिटर्जेंट के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं, तो सोप वाला जो मॉलिक्यूल कह सकते हो, सोप के मॉलिक्यूल, सोप के पार्टिकल अगर कम क्वांटिटी में है तो वो बच्चों क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह सॉल्यूशन में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वो कोलाइडल स्टेट में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे इनके मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, जुड़ के मीसेल बना दिया, मीसेल एक्चुअल में एसोसिएटेड कोलाइड को फॉर्म कर दिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का एग्रीगेशन हो रहा है। अब दो कंडीशन यहाँ पे काम करती है बच्चों, कि ये मीसेल बनता कब है, मीसेल कब बनेगा, अगर वाटर का वाटर की बात करें हम, या फिर जो भी डिस्पर्शन मीडियम है, मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ है ना बच्चों, ये चीज मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम का अगर टेम्परेचर कम होगा तो मीसेल फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है जिसके ऊपर मीसेल फॉर्म हो, कम तापमान पे नहीं बनता, नॉर्मल तापमान पे, इससे ज्यादा तापमान पे मीसेल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो मीसेल फॉर्मेशन के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जिसको अपन नाम देते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे मीसेल का फॉर्मेशन होता है, वो तापमान जिस पर मीसेल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे मीसेल का फॉर्मेशन होगा, मैंने लिखा है शॉर्ट में पर्टिकुलर टी, टी मतलब यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं अपन टेम्परेचर से। तो अपन कह रहे हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे मीसेल बन जाए वो क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। और सीएमसी क्या होता है बच्चों, क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, ठीक है, सीएमसी को अपन कहते हैं क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन जिसमें क्या कर रहेंगे अपन, यहाँ पे क्या चीज बताएंगे, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन HC। सीएमसी एक्चुअल में क्या होता है, क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन को अपन कैसे बताते हैं, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन भी आप कह सकते हो, जितने ज्यादा हाइड्रोकार्बन वहां पे होंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन की वो मात्रा जो मीसेल को बनाएगी वो असल में सीएमसी या क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन कहलाती है। सीएमसी को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ऊपर,
क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन को ही अपन शॉर्ट में सीएमसी कहते हैं। क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन को अपन शॉर्ट में सीएमसी कह रहे हैं। एक्चुअल में ये है क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन के नंबर या वो हाइड्रोकार्बन की मात्रा जो मीसेल बनाने में हेल्प करती है उसको ही अपन क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन या सीएमसी से बताते हैं। और ये क्या होती है बच्चों, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, इतने नंबर आएंगे तब जाके वो मीसेल फॉर्मेशन करेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तीन तरह के अपन ने देख लिए यहाँ पे, कोलोइड देख लिए बच्चों, मल्टी मोलिकुलर जिसमें पार्टिकल साइज छोटा होता है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के नया कोलोइड, बड़ा कोलोइड मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसकी रेंज जो होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होगी। मैक्रो मॉलिक्यूल में अपन ने कह दिया एक ही मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो खुद ही आपस में इतना बड़ा होगा, या तो कोलाइडल की रेंज इतना होगा, कोलाइडल वाले साइज इतना होगा, या फिर नहीं होता है तो उसको तोड़ के हम कोलाइड के साइज का बना देते हैं। जैसे कि अपन ने बोला मैक्रो मॉलिक्यूल कोलाइड्स वो कहलाते हैं। एसोसिएटेड क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस जो है वो तो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में पड़े रहते हैं, कोलाइड नहीं बनाते, लेकिन जब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती तो आपस में इकट्ठा होते हैं, एसोसिएट होते हैं और एसोसिएट होकर कोलाइडल मॉलिक्यूल को बनाते हैं। कब बनाते हैं बच्चों, हायर कंसंट्रेशन पर, जैसे कि मीसेल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, क्या चीज़ पढ़ी आज हम लोगों ने, कोलाइड के बारे में पढ़ा, कोलाइड एक्चुअल में होते क्या है, क्या चीज़ है, और अपन ने इसका क्लासिफिकेशन देखा कि कोलाइड्स को हम किस तरीके से कितने बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया बच्चों, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, जो सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से नोट कर लेना, इसको समझ लेना, उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो डाउट सेक्शन में जाके आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको अच्छे से आज का टॉपिक क्या था क्या नहीं था। इज दैट क्लियर, कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे आके पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।